हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एनिमल किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन के साथ हम उनके पढ़ेंगे टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं, किन किन कैटेगरी में एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। यहां पर एक मैंने एक शॉर्ट में आपको एक डायग्राम बनाया हुआ है यहां पर कंप्लीट, तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा किस बिहाफ पर कैसे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि एनिमल्स को बेसिक किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहला एनिमल जो किंगडम है वो क्या है, एनिमेलिया है, राइट? क्या है, एनिमेलिया है। जो फर्स्ट कैरेक्टर था हमारे पास, दैट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स के ऊपर बेसिक किन किस तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द सेल्यूलर, सेल्यूलर के बेसिक हम मैंने आपको तीन पॉइंट्स बताए थे। सेल्यूलर के तीन पॉइंट कौन कौन से थे? पहला टिश्यू लेवल, दूसरा ऑर्गन, सॉरी पहला सेल लेवल, टिश्यू लेवल एंड तीसरा इज द ऑर्गन लेवल, राइट? तो थर्ड पॉइंट था, सेकंड पॉइंट था हमारे पास सिमेट्री, थर्ड हमारा सिलोमेट यानी बॉडी कैविटी की जब हमने बात की थी, सिलोम की बात की थी, और ये फाइलम, यहां पर कौन कौन से फाइलम यहां पर अवेलेबल है। फर्स्ट हमने डिवाइड किया सेलुलर और टिश्यू के बेस पर, राइट? टिश्यू और राइट, यहां पर यू कैन से द ऑर्गन भी आप कह सकते हैं, टिश्यू और ऑर्गन। राइट, सेलुलर, सेलुलर में जो पहला फाइलम आता है दैट इज द पोरीफेरा। पोरीफेरा क्या है? ऐसे एनिमल्स हैं जो फ्रीली मिलते हैं वाटर में, राइट? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, दैट इज द, इनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेलुलर होती है, राइट? सेकेंड है हमारे पास टिश्यू। टिश्यू को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, राइट? रेडियल और बाइलेटरल, यानी इनको एक्सिस पर हम कट डाउन करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम देखते हैं कि ये कंप्लीटली आइडेंटिकल है या नहीं उस बेस पर, राइट? जो रेडिकल है, रेडिकल को दो कैटेगरी में फर्दर इनके फाइलम दो बनाए गए। पहला कौन सा है, सेलेंट्रेटा एंड दूसरा है स्टेनोफोरा, राइट? आपको याद रखने हैं ये। सेकंड इज द बाइलेटरल। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बाइलेटरल में भी सिलोमेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, सबसे इंपॉर्टेंट है बाइलेटरल, बाइलेटरल में भी जो इंपॉर्टेंट है उसकी सब टाइप, दैट इज द सिलोमेट। अब बाइलेटरल में तीन कैटेगरी आ गई थी, एक्यूसिलोमेट, सुडोसिलोमेट, तीसरा है सिलोमेट। सबसे पहला ये बॉडी कैविटी के बेस पर है, राइट? अब सिलोमेट तो क्या है, जहां पर बॉडी कैविटी एक्चुअल में प्रेजेंस है, यानी बॉडी वॉल और गट वॉल उन दोनों में डिफरेंस है, राइट? एक कैविटी है, एक वेकेंट स्पेस है, राइट? सुडो, जहां पर वेकेंट है बट कंफर्म नहीं है, पैचेस की फॉर्म में आप कह सकते हैं, कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, फिर है बॉडी में, फिर कहीं पर नहीं है। तीसरा है एक्यूसिलोमेट, मींस अवेलेबल है ही नहीं, कोई कैविटी अवेलेबल नहीं है, नो कैविटी। अब सबसे पहले नो कैविटी, ये आप याद रख लीजिएगा, द पहले हेलिमेंथेस जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, राइट? सुडो में एक्या हेलिमेंथेस, सिलोमेट में, अब सिलोमेट की बात कर रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है सिलोमेट। अब वन बाय वन ये जब नेक्स्ट वीडियोस में आएंगे इनको मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा, फिलहाल आप अभी इनके नाम याद कर लीजिए। सिलोमेट में क्या है, एनिलेट्स, यानी एनिलेट्स भी बोलते हैं, और जो फाइलम है दैट इज द एनिलिडिया, राइट? एनिलिडा। सेकंड इज द ऑर्थोपोड, ऑर्थोपोड्स मिलते हैं ना, राइट? काइनोडर्म्स, यानी काइनोडर्मा इनका फाइलम है। हेमिकोडेटा, लास्ट वन इज द कोडेटा, राइट?
तो आपको ये चीजें याद रखनी है। मैं दोबारा से सिलोमेट का आपको बता रहा हूं, पहला है एनिलेट्स, दूसरा है आर्थ्रोपोडा, काइनोडर्मा, हेमिकोडेटा, लास्ट इज द कोडेट, राइट। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कोडेट क्या है, नॉन कोडेट क्या है, वो आपको डिटेल में मैं आपको शेयर करूंगा कि कोडेट के एग्जांपल क्या है और नॉन कोडेट के एग्जांपल क्या है, राइट। मेनली आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं, दैट फर्स्ट इज द, अब मैं आपको बता रहा हूं कोडेट में फर्दर वर्टीब्रेट्स के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात कर रहा हूं? वर्टीब्रेट्स। वर्टीब्रेट्स वर्टीब्रेट की फर्दर जब हम डिवाइड करते हैं बहुत सारी कैटेगरी हैं, बट जो आपके मेन इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा डिटेल में। जो पहली कैटेगरी है दैट इज द एम्फीबियन, या फिर आप कह सकते हैं एम्फीबिया, एम्फीबिया या फिर एम्फीबियन जो कैटेगरी है, एम्फीबियन कौन क्या होते हैं बता सकते हैं? एम्फीबियन ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि अर्थ पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं। एम्फी का मतलब ड्यूल नेचर में रह सकते हैं, ड्यूल नेचर। क्या है? जिनका ड्यूल नेचर है, ड्यूल नेचर इन द सेंस कि वो अर्थ पे भी अवेलेबल हो सकते हैं, राइट, और वाटर में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राणा, अब ये राणा समथिंग दैट इट इज नॉट ए स्पेसिफिक, कोई कास्ट नहीं है, राणा इज द एक फ्रॉग की कैटेगरी है, फ्रॉग राणा, राइट, टर्डपोल आप उसको भी कह सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप क्रोकोडाइल, वो वैसे रेप्टाइल कैटेगरी में हम उनको काउंट करते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल क्या है कि पानी में भी रहते हैं और अर्थ पे भी रह सकते हैं, अलाइव रह सकते हैं। सेकंड इज द रेप्टिला, यानी रेप्टाइल्स कह सकते हैं, रेप्टिला। रेप्टाइल्स ऐसी कैटेगरी है एनिमल्स की जो कि क्रीप करके चलती है, मतलब पूरी बॉडी को अर्थ के साथ लगाकर चलती है, मूवमेंट उनकी लोकोमोशन जो प्रोसेस होती है, जो उनकी मूवमेंट प्रोसेस होती है वन पार्ट से अनदर पार्ट में, वो क्या होती है, बिल्कुल क्रीपिंग होती है। जो इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपको इजीली समझ में आ जाएगा, स्नेक। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इंडिया में कितने टाइप्स के स्नेक्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी स्पीशीज होने, सिर्फ इतना बताइएगा कि नंबर ऑफ स्पीशीज कितनी है इंडिया में, राइट। स्नेक, स्नेक क्या है कि एक ऐसे एनिमल है रेप्टाइल कैटेगरी में जो कि अपनी कंप्लीट बॉडी को, आप देखेंगे स्नेक है जो भी, राइट, पूरी बॉडी अर्थ के साथ टच होती है तभी वो मूवमेंट करता है, राइट। थर्ड कैटेगरी है एवियस की, एवियस मींस एव्स कैटेगरी जिसे बोलते हैं, दैट इज द बर्ड कैटेगरी जिसमें टोटल सभी बर्ड्स को, फ्लाइंग जो कि जिनके पंख हैं, एरोज हैं, ऐसे पक्षी जो कि उड़ सकते हैं एयर में अपने वेट के अकॉर्डिंग, राइट। अब ऐसा नहीं है कि सभी पक्षी बिल्कुल, कहीं है कि अपने वेट के अकॉर्डिंग कम लेंथ पे उड़ते हैं, कहीं है बिल्कुल हायर लेंथ पे उड़ते हैं, तो ये दोनों डिपेंडेंट करता है, दैट इज द एवियस कैटेगरी में इनको काउंट करते हैं। फोर्थ है दैट इज द मैमेलियन कैटेगरी, मैमेलियन या फिर मैमल्स आप कह सकते हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं मैमल्स की। ऐसे एनिमल्स
जिनके पास मिल्क मैमेरियन ग्लैंड्स अवेलेबल होते हैं, जिनके पास मिल्क ग्लैंड्स अवेलेबल होते हैं राइट, उनको किस कैटेगरी में हम करते हैं, मैमल्स में हम काउंट करते हैं ऐसे एनिमल्स को राइट, लाइक काउ गोट ये सभी क्या हैं, मैमल्स हैं ओके, बिकॉज दैट ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स के लिए, और एस मैमल्स ही हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही यूजफुल हैं बहुत सारी अनदर कैटेगरीज में राइट. तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट यूनिट है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आपके पहले चार चैप्टर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं राइट. जो भी इनमें से और फर्दर जो मैंने आपको एनिलेड्स, सिनेंट्रेट्स, ऑर्थोपोडा, काइनोडर्म्स वगैरह आपको बताया, वो सभी आप वहां पर देख सकते हैं, और फर्दर जैसे ही आएंगे वन बाय वन स्टेप, तो मैं उनको डिटेल में आपको एक एक करके समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में, जैसे जैसे वो वर्ड्स आएंगे तो मैं उनको एग्जांपल के साथ आपको वो टोटल डिटेल में समझा दूंगा. वर्टिब्रेट्स हमने पढ़ लिया, अभी तक हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर होती है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर कौन कौन से फाइलम्स में कैटेगराइज किया गया है, और उसके अलावा कोर्डेट्स की बात कर रहे थे, तो उसके बाद हमने बात की वर्टिब्रेट्स की, वर्टिब्रेट्स क्या है और वर्टिब्रेट्स के फर्दर सब टाइप्स क्या है, एम्फीबियन क्या है, रेप्टाइल क्या है, एवियस क्या है और मैमल्स क्या है. तो होप सो फ्रेंड्स आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा. ये शॉर्ट में आपको थोड़ा सा आपको मैंने ब्रीफ और कंप्लीट एक जर्नल आपको इंट्रोडक्शन दे दी है, और फर्दर जैसे जैसे कैटेगरी में फर्दर ये आते रहेंगे हम इनको डिटेल में भी हम इनको स्टडी करेंगे. तो इसी के साथ आपका ये लेक्चर फिनिश होता है. आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस को अपने इस चैनल को जो प्रोफेसर डॉक्टर वी डी आरवीज का जो चैनल है आप इनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी आपको वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. इस चैनल पर आप 9th, 10th, 11th and +2 की आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को आप एनसीईआरटी सिलेबस को आप स्टडी कर सकते हैं. तो होप सो फ्रेंड्स कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा. थैंक यू सो मच, गुड लक, हैव अ नाइस डे.